हेलो एंड वेलकम टू नौकर स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकर स्टडी में। तो झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, रेगुलर और बैकलॉग, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, और कैसे कैसे सिलेबस क्या है, इसको कैसे क्वालिफाई करना है। तो झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है और झारखंड के लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी बाहर के लोग जो अप्लाई करेंगे वो तो जनरल में जाएंगे, रिजर्व में जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको फिजिकल करना है, तो जो लोग फर्स्ट की तैयारी करते हैं उनका तो फिजिकल अच्छा होता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि जो अधिक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो तो पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 10 किलोमीटर की दौड़ करनी है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है, और फीमेल कैंडिडेट को 30 मिनट का टाइम मिलेगा और मेल को 1 घंटे का टाइम मिलेगा। काफ़ी कठिन नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने से, 2-3 महीने प्रैक्टिस करने से, स्टेमिना बनाने से ये की जा सकती है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड तो नॉर्मल है, 160 सेंटीमीटर के हाइट, SC ST को 2 सेंटीमीटर की छूट है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, SC ST को 79 आने की छूट दी गई है SC ST वालों को। मेडिकल नॉर्मल होगा, जैसे कि हर पुलिस एग्जामिनेशन के लिए होता है, उतना भी नहीं है कि आर्मी और एयरफोर्स नेवी जैसा उतना छाटा नहीं जाता है, लेकिन हाँ सब चीज़ चेक किया जाएगा, जैसे पाइल्स है, हाइड्रोसील है, चेस्ट है, ECG, EEG, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसके बाद शारीरिक संरचना, से हड्डी बोन्स वगैरह, हड्डी वगैरह कहीं टूटा नहीं है, टेढ़ा ना हो, उन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा, आई टेस्ट किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है रिटेन एग्जामिनेशन, रिटेन टेस्ट, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको एक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पेपर सेलेक्ट करना होगा, खोरठा है, संथाली है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होगा, इसमें 30% मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है, क्वालिफाई करना है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर टू सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको हिंदी का 50 क्वेश्चन होगा, व्याकरण होगा, मुहावरा, लोकोक्तियां, पैसेज दे दिया जाएगा, उससे आंसर लाना है, ये भी आसान होगा। पार्ट 2 में 25 GK के क्वेश्चन होंगे, इसकी तैयारी थोड़ी कर रही है लुसेंट से, और करेंट अफेयर्स भी होगा, कुछ झारखंड से संबंधित पढ़ लीजिएगा, और 25 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग से होगा, जो कि 10th लेवल का मैथ रीजनिंग होगा, काफ़ी आसान होगा, जो कि SSC GD में जैसा पूछा जाता है वैसे ही पूछा जाएगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव है इसमें, 1/3 नेगेटिव है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत भी करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन भी चल जाएगा, मेरिट इस प्रकार से बनेगा। 30% तक इसमें लाते हैं तो 0, 31 से 40% लाते हैं तो 1, 41 से 50, 2, इसी प्रकार से देख सकते हैं आप, 51 से 60, 4, 61 से 70, 4, 71 से 80, 5, 91 से 107। और अच्छा शक्ति विश्वविद्यालय, केंद्रीय या राज्य स्तर पर जो अच्छा शक्ति विश्वविद्यालय है, वहाँ से अगर आपने डिग्री ली है, वहाँ डिग्री में डिस्टिंक्शन का मार्क्स आया है आपको, तो 10 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा, फर्स्ट क्लास आया तो 8, सेकेंड क्लास को 6, और सिर्फ पास किया तो 4, इस प्रकार से मेरिट बन जाएगी। क्वालिफाई करना है पेपर 1 में, पेपर 2 में आपको मेरिट अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, रनिंग में क्वालिफाई करना है, और मेडिकल में भी पास कर जाना है, फिर आप झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हो जाएगी, अच्छी सैलरी होगी और नौकरी भी अच्छी होती है। झारखंड वालों के लिए तो सुनहरा मौका, क्योंकि अपने राज्य में ही रह के और पुलिस की नौकरी वर्दी की चाह जिनकी है वो पूरी हो जाएगी। अभी इसका एग्जाम डेट नहीं दिया गया है, रनिंग का डेट अभी नहीं तय किया गया है, जैसे ही तय किया जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे, और आप शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसकी तैयारी के लिए भी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।